मैं और रूही लड़ रहे हैं, विद्या मनीषा लड़ रहे हैं, अरमान पिस्ता पोदार। तो आई थिंक अरमान पोदार की जगह उनका नाम पिस्ता पोदार होना चाहिए, क्योंकि बड़े क्या बच्चे सब लड़ रहे हैं, मैं और रूही लड़ रहे हैं, विद्या मनीषा लड़ रहे हैं, सब हर जगह लड़ रहे हैं, लोग टीमों में बट गए हैं, दो हिस्से हो गए हैं परिवार के, मज़ा आ रहा है। ये शुरू हुआ था कि विद्या और मनीषा का झगड़ा होता है और फिर मैं मनीषा के साइड हूँ और विद्या के साइड रूही है, और फिर हम सुलझाने जाते हैं और हम ही आपस में भिड़ जाते हैं और फिर पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है। फिर दादी साहब भी आती हैं और आपको पता है दादी साहब जब आती हैं तो क्या होता है। अरमान तो देखिए उनका नाम ही पिस्ता है, अरमान पिस्ता पोदार। तो आई थिंक अरमान पोदार की जगह उनका नाम पिस्ता पोदार होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह पिसते रहते हैं। अरमान रूही अभीरा के बीच में पिसते रहते हैं, रूही और अभीरा दादी के बीच में पिसते रहते हैं, और मुझे बचाते वक्त हर जगह से उनको सुननी पड़ती है। यहाँ पे भी हमारा बीच बचाव कर रहे हैं, तो मतलब वो आते ही सुलह करने हैं बेचारे। ये तो वक्त ही बताएगा, मुझे नहीं पता हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मुझे अभी से जो साइंस दिख रहे हैं वो कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक फेक सा दिखाया गया है कि हाँ हाँ कर लेंगे टीम बन के, बट एक्चुअली कोई जेन्युइन एफर्ट नहीं होने वाले हैं। हमारी एक्चुअली फ्रेंडशिप है, और मतलब ठीक है एक दूसरे को समझने लगे हैं, साथ में रहते हैं तो समझ में आ ही जाता है, और रूही को कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स वो प्यार करती हैं तो उनको कुछ भी दिखता है, कुछ भी क्लोजनेस दिखती है, कुछ भी चीज़ होती है तो उनको बहुत इफ़ेक्ट होता है। अभीरा को बस ये लगता है कि ये इतना अजीब क्यों, ये मतलब ये कहाँ से, मतलब क्या, व्हाट हाउ व्हेन, ये क्यों ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, रीज़न मतलब ये तो देवर हुए ना, देवर की वाइफ है, देवरानी है, तो ये कहाँ से उछल रही है, हो क्या रहा है, समझ गए।